प्यारे विद्यार्थीगण, पुनः आपका ई लर्निंग क्लासेस में स्वागत है। आइए, आज हम लोग क्लास सेवेंथ मैथमेटिक्स में डेसिमल्स जो उन लोगों का चल रहा था, चैप्टर थर्ड, उसमें आज टॉपिक मेरा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। मतलब डेसिमल नंबर, दशमलव में जो नंबर दिए हैं उनका एडिशन, सम, योग, प्लस करना, एंड सब्ट्रैक्शन मतलब डिफरेंस या घटाना, अंतर। तो एक्सरसाइज थ्री भी है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है ऐड 16, ये 16 है, 16, 8.7, 0.94, देकर है 6.8 एंड 7.77, इनको ऐड करना है। तो देखिए, जैसे दिया है उसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। इसमें देखो, डेसिमल के टू प्लेस तक ये नंबर है, दशमलव के दो स्थान तक ये नंबर है, तो इसलिए 16 को 16.00 हम लिख सकते हैं, 8.7 को 8.70 लिखा, 0.94 है, 6.8 को 6.80 हम लिख देंगे, और 7.77। अब ऐड करने का जो रूल है वैसे ही आप ऐड करेंगे, 4 + 7 = 11, कैरी 1, 1, 7, 8, 8, 9, 6, 17, 17 + 8, 25, 25 + 7, 32, यहाँ 1 कैरी हो रहा है ना, 7, 1, 8, 9, 8, 17, 17, 8, 25, 25, 7, 32 यहाँ होगा, 32 का 2, कैरी 3, 7, 3, 10, 10, 6, 16, 16, 8, 24, 24 और 6, 30 का 0 हासिल, 3, 1, 4, 40.21, ये आपका हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। ये अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सब्ट्रैक्शन का एक देखें, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कह रहा है 15, सब्ट्रैक्ट 2.5307 फ्रॉम 8। अब इसका मतलब समझ लीजिए, 2.5307 फ्रॉम 8 मीन्स 8 में से इसको माइनस करना है, न कि इसमें से इसको माइनस करना है, 8 से इसको माइनस करेंगे। तो पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे, 8 - 2.5307। अब देखिए, डेसिमल में नहीं दिया है और ये डेसिमल के फोर प्लेस है, 1, 2, 3, 4, तो इसको फोर प्लेस हम बना सकते हैं, 8.0000, फोर प्लेस हो गया। अब इसमें से माइनस करेंगे 2.5307, 7, 10, 0 हासिल 1, 1, 9, 0 हासिल 1, 3, 1, 4, 6, 4, 10, 0 हासिल 1, 5, 1, 6, 4, 10 हासिल 2, 1, 3 और 5, ये हो गया आपका, माइनस करने पर ये हो गया। देखिए, 7, 10, 0 हासिल 1, 9, 1, 10, 0 हासिल 1, 6, 3, 9, 1, 10, 0 हासिल 1, 4, 5, 9, 10, 0 हासिल 1, 5, 2, 7, 1, 8, ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया माइनस करने पर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन का क्या रहा है पहले इसको समझें, बाई हाउ मच शुड 32.67 बी इंक्रीज्ड टू गेट 60.1, इसका मतलब समझें, बाई हाउ मच कितना ज़्यादा शुड 32.67 32.67 बी इंक्रीज्ड बढ़ाया जाए, मतलब 32.67 को कितना और बढ़ाया जाए, कितना अधिक किया जाए टू गेट 60.1, कि हमको 60.1 मिल जाए। कहने का अर्थ यह है कि इस नंबर को कितना मैं बढ़ाऊं, इंक्रीज करूं कि मुझे यह मिले, या फिर आप ऐसे समझें कि इसमें क्या ऐड किया जाए कि हमको यह मिले। इंक्रीज मतलब ऐड करना, बढ़ाना, तो हम लेट कर लें। देखो, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेट एक्स शुड बी इंक्रीज एस एच ओ यू एल डी, एक्स शुड बी इंक्रीज्ड टू गेट 60.1, मतलब ये हम मान ले रहे हैं कि एक्स इंक्रीज किया जाए, एक्स बढ़ाया जाए, क्योंकि वो अननोन है, वो हमको निकालना है, पता करना है। तो एक्स किस में बढ़ाया जाए, इंक्रीज्ड इसमें किया जाए, तब ये इक्वेशन ऐसे बनेगा, 32.67 प्लस एक्स इज इक्वल टू 60.1। अब ये x फाइंड करना है, आप ऐसे लिख सकते हैं, सो अब इस x को लिखें,
x इज इक्वल टू, इस नंबर को इधर ट्रांसपोज करेंगे 60.1, तब ये नंबर इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 32.67, और आप इसको ऐसे लिखिए 60.1, उसी के नीचे लिखेंगे 32.67, माइनस करना। आप देखिए इसके ऊपर यहाँ डिजिट नहीं है तो जीरो हम लिख सकते हैं। 7 10 0 8 1, 6 1 7 4 11 1 1, 2 1 3 7 3 10, और ये हो गया 3 1 4 2। देखिए 7 10 0 8 1, 6 4 10 11 1 1, 7 2 9 2 0 8 1, 3 2 5 1 6, 27.43। इट मीन्स आपका यह हो गया 32.67 शुड बी इंक्रीज्ड, बाय 27.43। क्यों? टू गेट, पाने के लिए, क्या पाने के लिए, 60.1। तो आंसर आपका यह होगा एक्सेस। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 20 में बता दिया हूँ, इसमें 22 क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस 7-8 क्वेश्चंस एडिशन पर है और बाकी सारे क्वेश्चंस आपके सब्ट्रैक्शन पर है, ओके। और कैसे करना है मैं समझा दिया, क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं पर्सनली, ग्रुप में ना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कि ये समझ में नहीं आया है कैसे होगा, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो। ये क्वेश्चंस आपके हो गए, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ओके। एक्सरसाइज फिनिश 3B, थैंक यू।